दोस्तों, आज की जो मेरी रेसिपी है ये है होटल और रेस्टोरेंट में बहुत ही महंगे रेट पे मिलने वाली मेथी मटर मलाई की। पर इंटरेस्टिंग ये है कि ये इसमें मैंने ना ही कोई बटर यूज किया है, ना ही डिब्बे वाली क्रीम है, ना ही खोया है, ना ही काजू है। घर की चीज़ों से, बहुत ही सिंपल सी चीज़ों से मैंने ये मेथी मटर मलाई बनाई है और बहुत ही ये शानदार बनी है रेसिपी। आप इसे ट्राई करिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। तो इसके लिए मैंने मटर के दानों को हल्का सा उबाल लिया है 5 मिनट के लिए, और ये ताज़े कुछ वो मेथी की पत्तियां हैं तो ये नरम डंडियों के साथ ही मैंने लिया है। अक्सर पत्तियों को काट के उसे यूज़ किया जाता है, पर यहाँ पे मैंने इसे ब्लांच कर लिया है। इसमें छोटी छोटी जो डंडियां हैं वो भी मैंने ले लिए हैं। तो आप चाहें तो पत्तियों पत्तियों को बस यूज़ कर सकते हैं, मैंने डंडियों के साथ इसे किया है। तो नॉर्मली काट के कच्ची ही मेथी यूज़ करते हैं, मैंने ब्लांच किया है यहाँ पे। तो इसे हमें उबलते हुए पानी में सिर्फ 30 सेकेंड के लिए रखना है, उसके बाद ये निकाल के बर्फ़ वाले पानी में डाल देते हैं। और यहाँ मैंने टमाटर, लहसुन, मिर्चा, अदरक पेस्ट बनाने के लिए ले लिया है, और कुछ सूखे मसाले हैं खड़े जिन्हें तड़के में हमें यूज़ करना है। ये 1 चम्मच तेल में मैंने ये सारे टमाटर और ये डाल दिए हैं, और थोड़ा सा भून के इसे हमें पेस्ट बना लेना है। इनफैक्ट हमें ये थोड़ा टमाटर गला लेना है इसमें हल्के से नमक के साथ, नमक के साथ जल्दी गल जाता है टमाटर। तो इधर क्या करते हैं, जो ठंडे पानी में मैंने मेथी की पत्तियाँ डाली थी उसको निचोड़ के सिर्फ पानी पानी निकालना है, पत्तियों के अंदर से जो इसका अपना जूस है वो नहीं हमें निचोड़ना है। तो इसको महीन महीन ऐसे कतर लेते हैं। तो इस प्रोसेस से हमारा जो ये मेथी की पत्तियां हैं ये बहुत हरी हरी बनी रहेंगी। ये करें आप, वैसे आप कच्ची पत्तियों के साथ भी ये सेम कर सकते हैं, पर वो रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। तो इस तरह से छोटे छोटे, और इधर हमारा टमाटर भी गल चुका है तो इसको ठंडा करके हमें पेस्ट बना के ले लेना है। और एक पैन में मैंने इस तरह से 2-3 बड़े चम्मच घी डाल दिए हैं, और थोड़ा सा तेल भी डाला मैंने इसमें, और ये जीरा, लौंग, इलायची, दालचीनी और तेज पत्ते का तड़का लगा के इसको हल्का सा भून के, और फिर महीन कटे हुए प्याज हैं इन्हें डाल के भून लिया। तो यहाँ आपको बताते चलें कि मेरी पत्तियाँ जो है मेथी की वो आधे किलो के करीब है, 500 ग्राम। तो ये मैंने 3 बड़े प्याज लिए थे, और टमाटर तो आपने देखा ही, बड़े बड़े मैंने 3 टमाटर लिए हैं। तो प्याज में हल्का सा नमक डाला ताकि जल्दी भुन जाए ये। इसमें अभी कुछ स्पाइसेस डाल देते हैं, ड्राई हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरी मिर्च पाउडर है, और धनिया पाउडर है। इसे डाल के इसमें भून लेते हैं। कलर देख रहे हैं, बहुत प्यारा सा आ गया है इसमें मसाले में। मसाले हमारे भून चुके हैं अच्छे से। इसमें जो पेस्ट मैंने बनाया था टमाटर, अदरक, लहसुन का, उसे डाल देते हैं और इसको भून लेते हैं। तो नॉर्मली आपने होटल में या बाहर कहीं भी आपने ये मेथी मटर मलाई खाई होगी, वाइट ग्रेवी में भी ये बनती है, इसमें टोमेटो और ये लाल मिर्ची नहीं जाती है ये सब। पर मैंने थोड़ा सा डिफरेंट आज बनाया है, इसे ट्राई करिएगा, देखिए आपको पसंद आएगी। तो नमक डाल दिया मैंने, टेस्ट के हिसाब से इस बार नमक डालें। इसको अच्छी तरह से अभी हमें भूनना है, मसाले से तेल अलग होने तक हमें इसे भून लेना है। इस तरह से ढक ढक के मैंने भूना है ताकि जल्दी से ये तैयार हो जाए। तो अभी आप देख सकते हैं मसाले से तेल जो है वो अलग हो गया है, मसाला अच्छी तरह से भून गया है, बिल्कुल साइड से अलग हो गया है। तो अभी इसमें जो बॉइल्ड मटर रखा था वो डाल दिया मैंने, इसको डाल के अच्छी तरह से मिला लेते हैं। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, जार में, ग्राइंडर जार में सारे मसाले लगे हुए थे तो उसमें पानी थोड़ा सा लेके डाल दिया मैंने। इस तरह
तरह से। और अभी जो ब्लांच और मेथी की पत्तियां काट के रखी थी उसे डाल के और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये बहुत बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है ये। तो अभी इसमें 1 टेबल स्पून गरम मसाला डाल देते हैं और थोड़ा सा पानी और डालते हैं। तो पानी ध्यान रखें गरम ही डालें जब भी आप डालें इसमें, और इसको थोड़ी देर के लिए फिर से ढक देते हैं। और थोड़ी देर बाद वापस देखते हैं तो तेल ऊपर आ गया है, ऑलमोस्ट ये तैयार हो गया है। तो ये जिंजर जूलियंस हैं, अदरक के पतले टुकड़े कटे हुए, और थोड़ी ये कसूरी मेथी और थोड़ा सा गरम मसाला, खुशबू अच्छी आएगी। तो इनको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। और अभी लेमन जूस। तो होता क्या है कि जब वाइट ग्रेवी वाला जो मेथी मटर मलाई बनाई जाती है वो दही में बनाई जाती है, तो उसकी एक हल्की सी खटास होती है, उसकी जगह मैंने ये लेमन जूस डाला है। और ये सब डालने के बाद थोड़ी देर के लिए ढक दें ताकि सारे खुशबू अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। और उसके बाद ये फ्रेश क्रीम है, ताज़ी जो घर की मलाई होती है वो 1 कप मैंने लेके उसे फेंट के इसमें डाल दिया। ध्यान रखें जब भी मलाई डालें तो गैस के फ्लेम को या तो सिम कर लें या तो फिर ऑफ़ कर दें, तो गैस को बंद करके ही डालें और इसको मिक्स कर लें। उसके बाद ये ताज़ी कटी हुई हरी धनिया, ये खूब सारी पत्ती डाल के और इसको एक बार फिर से मिक्स करके और थोड़ी देर के लिए ढक दें, गैस को ऑफ कर दें। ये तैयार है हमारी मेथी मटर मलाई, बिल्कुल न्यू वर्जन। इस नई रेसिपी के लिए, मेथी मटर मलाई की नई वर्जन के लिए, आप चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें ताकि इस तरह की नई नई रेसिपीज़ आपसे शेयर करूं। तो फिर बनाएं, खाएं, खिलाएं, हेल्दी रहें। तो फिर मिलते हैं आपसे, बाय।